वेलकम व्यूअर्स, दिस इज महानूर उमर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बुझो तो जीतो। व्यूअर्स, मैं हाजिर हूँ एक नई एक्साइटमेंट के साथ, एक नई एपिसोड के साथ, नई लोकेशन के साथ। आज हम मौजूद हैं जू में, जहाँ पर बड़ी प्यारी फैमिलीज आई हुई हैं जिनसे करेंगे हम सवालात। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सवाल जो हैं वो आपके लिए भी हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पे आए हुए लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आप मुझे बताएंगे जो मैं करूँगी सवाल लोगों से, कि आपको भी उनके जवाब आते हैं। आपने कमेंट्स में भी मुझे बताना है कि इन सवालात के जवाब क्या है, लेकिन गूगल किए बगैर। तो सवाल मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, जो कि आप लिख लें और प्रोग्राम के एंड में इनके जवाब मैं खुद भी दूंगी। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा शहर है जिसे लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानदार है जो पानी में रहता है और कभी भी नहीं मरता। ये हिंट है कि वो पानी में रहता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो सांप की तरह खाल बदलता है। ये रहे तीन सवाल, लेकिन ये तीन सवाल नहीं होंगे, हम लोगों से करवाएंगे टंग ट्विस्ट है, उनसे पहेलियां बुझेंगे, उनसे गाने सुनेंगे, बच्चों से हम जो है वो स्पेशली पोइम सुनेंगे, और भी जो कुछ भी बच्चों को आता हुआ वो हम जरूर सुनेंगे। तो आइए प्रोग्राम का जो है मैं आगाज करती हूँ, जरा पूछती हूँ लोगों से, आप तब तक सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मा खान। उस्मा क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ियान। आपका? मोहम्मद मूसा। आपका क्या नाम है? ये तो मुझे लगता है बोलता ही नहीं होगा। बोलता है, बताइए। क्या नाम है आपका? है यूसुफ। आपका नाम क्या है? यूसुफ। इतने प्यारे तरीके से बोला है। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। आप? वन। अच्छा, उसमें आप बताएं कि कुकिंग कर लेती हैं? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह खाल बदलता है। सांप की तरह खाल बदलता है? ऑप्शन है? नहीं। नो। ऑप्शन नहीं है। लिजर्ड? नो। करीब करीब ही है, इसी तरह का ही है कुछ। ज़ेन में है, उसका नाम नहीं आ रहा। वो जो कलर चेंज करता वो तो नहीं है? नहीं नहीं, सॉरी। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जो कभी नहीं मरता, मरता ही नहीं है? जानदार पानी में रहने वाला। पानी में रहने वाला जानदार है? पौधे। पौधे नहीं। चले मुझे बताएं, कुकिंग कर लेती हैं आप? हाँ, कोई रेसिपी आपके पास? हाँ। अच्छी सी पास्ता की रेसिपी बताएं जल्दी से। आप तीन तरह की ले लें। सबसे पहले सब्जियां, जो भी आप लाइक करते हो, ठीक है, उसको आप ऑयल में फ्राई कर लें, ठीक है। उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका और साथ में चाइनीज सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल के उसको फ्राई कर लें। और सेकंड, दूसरी तरफ आप मैक्रोनीस और पास्ता का बॉयल कर लें। बॉयल करने से पहले पानी को जो है ना वो बॉयल करके, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग ठंडे पानी में डाल देते तो वो नीचे लग जाती हैं, वो सॉस नहीं बनता, ठीक है। ठीक है, उसको जब अच्छी तरह उबल जाए उसमें ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह उसको कर लें, क्या कहते हैं, निथार लें। निथारने के बाद उसको आपस में मिक्स करके उसको भी फ्राई कर लें। आपका पास्ता तैयार है। अच्छा जी, ज़बरदस्त है जी, पास्ता की रेसिपी हमें पता लगी। मुझे बताओ पोइम आती है आपको? सुनाए। वन टू हाउ आर यू, थ्री फोर व्हाट द फोर फाइव सिक्स टच योर लिप्स सेवन एंड ओपन अगेन नाइन टेन टाइगर इन द डेन। वेरी गुड, आपको आती है पोइम? सुनाए। ट्विंकल ट्विंकल उधर देखकर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप टू हाई वर सो आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने सुनाई है। सब जवाब नहीं दिया आपने मुझे, आपने क्वेश्चन ही टांग, बड़ा टफ, बहुत टफ था ये क्वेश्चन। चले हम वैसे कभी कभार बड़ी आसान सवाल करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। चले टंग ट्विस्टर में आपसे करवाती हूँ। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, ये आपने 5 दफ़ा बोलना है। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पीला पपीला पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में। चले अब तो खराब हो गया ना। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने देखा कि हमें बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो इन्होंने बता दी। आई होप के आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो आए चले क्राउड में और भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद इकबाल। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ PUC IIT से। अच्छा, यहाँ पर जू आए हैं? अकेले आए हैं, फैमिली के साथ? अकेला आया हूँ। क्यों? एग्ज़ाम से फ्री हुआ था तो सोचा चलो जू ही आ गए।
एग्जाम से फ्री होते थे हम तो, हमें तो घर जाके सो जाती होती थी, फन करें, आप जू आ गए। नहीं अब वीकेंड पे सुबह घर चले जाएंगे, फिर एक हफ्ता घर रहेंगे। जानवर पसंद है आपको? देखना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। कौन से जानवर पसंद है? टाइगर फर्स्ट टाइम देखे हैं, पहले नहीं देखे थे। लाहौर से आप? नो। कहाँ से हैं? छांगा मांगा, हमारी तहसील चोनी है। अच्छा, छांगा मांगा से हैं। चले मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है पानी में रहने वाला है जो कभी नहीं मरता? जो कभी नहीं मरता, पानी के अंदर रहे तो नहीं मरता, या पानी पानी में ही होता है? मैं आपको हिंट दे रही हूँ। मछली तो पानी में अंदर तो नहीं मरती, बाहर आएगी तो मरेगी। oh, no! नहीं, नहीं, सोचें, पानी में रहने वाली, थोड़ा दिमाग तो लड़ाए। अच्छा, वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह अपनी खाल बदलता है? नो आइडिया। थोड़ा गैस लगा लें, तुक्का मार लें। तुक्का? रेन में कोई ऐसा जानवर रहा नहीं रहा, कौन सा हो सकता है ऐसा? अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट का शौक है। क्रिकेट का शौक है, तो क्या पसंद है, बैटिंग करना, बॉलिंग करना? मैं बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, ऑलराउंडर के तौर पर खेलता हूँ। अच्छा, ऑलराउंडर है, तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर आईटी में है इंशाल्लाह, तो अब आईटी में ही आगे जाना है। कोई गुनगुना लेते हैं? नहीं, मैं तो शायरी कर, तिलावत कर सकता हूँ। तिलावत कर सकते हैं, चलें, हाफ़िज़े कुरान है माशाल्लाह, चलें जी, ये लें तिलावत, पकड़ लें आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل صافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تبارك الله العظيم माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने तिलावत की, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लीजिए। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने बहुत अच्छी तिलावत की, जू में इस वक्त आए हुए हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया ताहिर है। शाजिया क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, बच्चे भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हैं? बेटा पुलिस में ड्यूटी पे है। अच्छा, और छोटा वाला घर में है, दो घर में है। जू आप घूमने के लिए आए? जी, घूमने के। कौन सा एनिमल फेवरेट है? फेवरेट तो मेरा है एलिफेंट। एलिफेंट पसंद है आपको? अच्छा, चले मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानदार है पानी में रहने वाला है जो कभी नहीं मरता? कभी नहीं मरता? फिश? नहीं, करीब करीब है। फिश के अलावा और कौन सा है? सोचे सही थोड़ा। मगरमच्छ? नहीं। चले मैं सवाल बदलती हूँ, मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह खाल बदलता है? वो कौन सा है? सोचें, कोई हिंट दे ना आप। हिंट नहीं दे सकते, देनी पड़ेगी। अच्छा चले मुझे बताएं, आप कुकिंग कर लेती हैं? क्या बना लेती हैं? शामी कबाब। शामी कबाब रेसिपी आपके पास? हाँ, खुद से बना लेती हूँ। बताएं वैसे क्या मशहूर है खानदान में कि आप सबसे अच्छा बनाती हैं? चिकन कढ़ाई और शामी कबाब। शामी कबाब अच्छे बनाती हैं, और बताएं रेसिपी बताएं। चने की दाल डालें और चिकन डाल दें, फिर उसके बाद उनको मैश करें, फिर छोटी छोटी टिक्कियां बना के, तो अंडा फ्राई, अंडा फेंट के ना उसमें। इतनी जल्दी बता दिया आप, तो छोटी आसान रेसिपी शामी कबाब की। हाँ, तो और गाना गा लेती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। गाना गाएं? कौन सा गाऊं?
कोई भी गाले। कहाँ से आप वैसे? मैं पिंडी से हूँ। आपके लहजे से पता लग रहा है आप पिंडी से। कौन से इलाके? खन्ना पुल जो है ना, वहाँ से मेरी शादी हुई है, ढोक सईदा में। अच्छा, हिंद को भी आती हो? हाँ। किसी से? अच्छा चले सुना दें आप। किसी का माइक पकड़ लें। कौन सा सुना? कोई भी। जमाना जानदा ली जी शान, जमाना जानदा ली जी शान, एना सर नबियां दा, एना सर नबियां दा शाहे मर्दाने, जमाना जानदा अली जी शाने। मरब दे सिर ते चल गई अली दी जान तलवारे, मौलाइयां खुश हो के अली दे लाए नारे, अली पे टहल के टुर दे मोहम्मद तक तक हस दे, अली पे टहल के टुर दे मोहम्मद तक तक हस दे, कुफर दी सारी बस्ती, कुफर दी सारी बस्ती होई वीराने, जमाना जानदा अली जी शान, ए नासर नबियां दा, ए नासर नबियां दा शाहे मर्दाने, जमाना जानदा अली जी शान। बहुत अच्छा आपने कसीदा पढ़ा। पिंडी से आप आई हुई हैं, अभी लाहौर घूमने के लिए आई हुई हैं, कहाँ कहाँ घूम लिया अभी? अभी चिड़ियाघर में और यादगार गए थे। अच्छा, कितने दिन के लिए लाहौर? आज बस लास्ट डे है, शाम को। कितने दिन से आई हुई हैं? 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से आई हुई हैं। चले, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट आकर। व्यूअर्स, चिड़ियाघर में आज हम मौजूद हैं, बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं क्राउड में, आए जरा चलते हैं और फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुताहिर जी। आपका? अली। क्या करते हैं? स्टडी। क्या पढ़े हो? सेकंड ईयर। आप? मैं सेकंड ईयर कर लिए। सेकंड ईयर कितने नंबर आए? मेरा अभी रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना है? कैसा रिजल्ट आएगा? इंशाल्लाह अच्छा आएगा। पक्की बात है? लड़के ज्यादा वैसे ज्यादा पढ़ते हैं या लड़कियाँ? डिपेंड करता है, लड़कियाँ ज्यादा पढ़ती हैं, हम तो बाहर फिरते रहते हैं। आप बताएं, लड़के कहते हैं हम तो एंड में पढ़े तो जो है ना वो पास हो जाते हैं, लड़कियां सारा साल पढ़ती रहती हैं, ऐसे ही है? ऐसा ही है। चलें ठीक है, मान लेते हैं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह खाल बदलता है? अर्थवर्म? नो। सोचें, सीधा ही जवाब दे दिया। नहीं सोचो तो सही, कॉमन सेंस, बच्चे हो पढ़ रहे हो। गूगल कर लेते हैं। गूगल करने का जो है ना वो इस वक्त मौका नहीं है। टंग ट्विस्टर आपसे मैं करवा लेती हूँ, ठीक है? टंग ट्विस्टर करवा लूँ? आपने बोलना है पतली लकड़ी लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लकड़ी 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 लड़की पतली। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अब आप करेंगे पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बहुत मुश्किल। पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीले में। अच्छा मुझे बताओ कि इसके अलावा क्या शौक है, क्या करने का शौक है? मैं आजकल लोग टिकटॉक बड़ा बनाते हैं, एक्टिंग का बड़ा शौक होता है। मैं कोई शौक नहीं है, मैं MBBS कर रहा हूँ, आगे MDGET की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कितने नंबर आए हैं FSC में? मेरे आने रिजल्ट। हाँ जी। पार्ट वन में कितने मार्क्स आए? 481। कितने में से? 505 में से। अरे वाह, तुम तो बड़े मतलब पढ़ाकू बच्चे हो। बस ऐसे ही मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। चलो फिर कोई गाना वाना गुनगुना लेते हो? ये तो बहुत आता ही है। दोस्त तुम्हारे यहाँ पे खड़े होके हूटिंग कर रहे हैं कि तुम गाना गा लेते हो, तो फिर चलो गा के। डांस भी आता है? कौन सा वाला? नहीं नहीं नहीं, सारे देखो कितना शोर मचा रहे हैं, सुना दो गाना जो है वो गा लो।
ताजदार हरम के एंड वाली लाइंस पढ़ देता हूँ। अच्छा जी, सुना दो जी। या मुस्तफ़ा या मुजतबा इरहम नना इरहम नना कस्ते हमा बेचारा दा मातुही दा मातुही मन आसियम मन आजिजम मन बेकसा हाले उमा पुरसातुही 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 ए मुजतबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबहदन ए चारागर ईसा नफस ए मुन से बीमार गम ए कासिद फुरखंदा पै तुझको उसी गुल की कसम इन्नल तैयारी हसबा यौमल इला अरतिल हरम बल्लिग सलामी रोजदन फीहन नबील मोहतरम ताजदार हरम हो निगाह करम ताजदार हरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे हामी बेकसा क्या कहेगा जहां हामी बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम। अच्छा बहुत अच्छी आपने जो है बनात पढ़ी। अब मैं एक सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर आप दोनों के पास 2 करोड़ रुपए आ जाएं तो क्या करेंगे सबसे पहले? वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर? आप? मैं भी यही सेम। कहाँ जाएं? लंदन। आप? मैं भी यूरोप सारा यूरोप। लाहौर घूमा मैं? लाहौर बहुत दफा सारी। और कुछ भी नहीं करेंगे? किसी को कोई पैसे दे दें, हेल्प कर दें, कुछ भी नहीं करेंगे? फिलहाल हमें हेल्प की इतने जो तुम्हारे दोस्त क्या दोबारा बताएं? फिलहाल हमें हेल्प की जरूरत है। लड़कों के पास जो है वो पैसे होते हैं वैसे? नहीं होते, लड़कों को शर्म आती है घर से मांगते हुए। हम कौन से शर्म आती बस आती है, जिम्मेदारी होती है, पर हम क्यों घर से मांगते? अभी पॉकेट में कितने पैसे? 19,000 रुपए पड़े। कुछ 19,000 रुपए पड़े हुए हैं। और तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है 10 रुपए भी नहीं होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। लाहौर न्यूज की तरफ से ये गिफ्ट है। व्यूअर्स, आपने देखा कि स्टूडेंट से बड़ी मजे की खट्टी मीठी इनसे बातें हुई। आई होप आपने भी बड़ा इंजॉय किया होगा जिस तरह मैंने किया है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वेट करना है। मेरे पीछे आपको बड़ी प्यारी बतखें नजर आ रही होंगी, मैं ये देखती हूँ, आप तब तक ब्रेक पे जाएं। वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं वापस आ चुकी हूँ। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे, सवाल के जवाब आपने निकाल लिए होंगे। फटाफट मैं रिपीट कर देती हूँ सवाल जो कि हम लोगों से कर रहे हैं। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? वो कौन सा जानवर है, जानदार है, जो कि पानी में रहता है और कभी नहीं मरता, यानी कि कभी नहीं मरता? और तीसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा अच्छा जानवर है जो सांप की तरह खाद बदलता है? तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ। क्या करते हैं? फारग ही हूँ बस, घर पे। घर पे ही हो? जी जी। आपका क्या नाम है बेटा? सामिर। क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? प्रेप। चार। प्रेप में हो। अच्छा चले, मैं आप इससे एक सवाल करती हूँ, अगर आप इसका जवाब दे सके मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है पानी में रहने वाला है जो कि कभी नहीं मरता? कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, पाकिस्तान का एक शहर है जिसपे जो है वो कितने नुक्ते आते हैं? ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, पाकिस्तान का एक शहर है जिसको लिखते वक्त उस पर 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं। हिंट दे देती हूँ, छोटा सा शहर है। नहीं समझ आ रही। दरबार भी है वहाँ पर बड़ा मशहूर, जन्नती दरवाज़ा, पाक पत्न शरीफ। इतना हिंट देके मैंने आपसे जवाब ले लिया। वो हमारे करीबी है उधर, आरो वाला में है ना, करीबी है उधर। बिल्कुल। अच्छा चले, मुझे डिस्ट्रिक्ट है हमारा। मुझे बताएं आपको क्या आता है, क्या सुनाओगे? अल्लाह के नाम। अल्लाह के नाम, वाह जी वाह, चले सुनाए। या मन हु अल्लाहुल्ला जी ला इलाहा इल्ला रहीम अल मालिकुल कुद्दूस सलाम
मुलमुदी मुलमु हाइनी मुल आजीद मुल जब्बा अलमु ताका भी मुल खारी को पांच इलु कफा अफ़मा रहा कुल रज़ा कुल फता कुल आईम। अच्छा इतने ही आते हैं? चलो किसने याद करवाए हैं? मम्मा ने याद करवाए हैं। कोई पोइम आती है आपको? सुनाए, खुशी खुशी सुनाए, स्माइल करके दिखाओ, जरा स्माइल करो। ओके चलो सुनाओ पोइम, खुशी खुशी सुनानी है। एक दो तीन चार, चार डोली के चार घर, आगे आगे चार हाथी, पांचों फूल पक्के साथी। अच्छा वाह जबरदस्त। आप मुझे बताएं कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही मैसेज है कि सब लोग नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैंपर, ये लो। आपने देखा बच्चों ने जो है वो बड़े प्यारे जो है अल्लाह के नाम सुनाए, पोइम सुनाई। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, जू में आते हैं, जो अपने मन पसंदीदा जो जानवर होते हैं उनको देख रहे होते हैं। तो आइए चलें, बड़े प्यारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? युसरा। आपका? नूरुल ईमान। इतने सारे बच्चे आपने इकट्ठे किए, मैं आप ही के हैं ये? हाँ जी। सोच लें ये आप ही के बच्चे हैं सारे? नहीं, ये कजन्स हैं। अच्छा कजन्स हैं। आपके कितने हैं इसमें से? दो हैं। अच्छा दो हैं, ये तो बहुत ही छोटे, ये क्या है, बेबी गर्ल? हाँ जी बेबी गर्ल है। इतनी सी छोटी को ले आई हैं? मुझे लगता है कि एक्सपोजर होना चाहिए हर एज में। इतनी सी बच्ची का क्या एक्सपोजर होगा, कितने मंथ्स की? ये 3 मंथ्स की है, लेकिन अगर आप देखें तो 1 to 6 मंथ्स में बेबी का ब्रेन सबसे ज्यादा ग्रो करता है, और पाकिस्तान में ये लोगों को बात पता नहीं है। अच्छा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात पता लगी है, अगर ये सही है तो। कि घुमाना चाहिए इस उम्र में, मतलब इसमें तो बच्चों को पता ही नहीं होता। सेंसरी प्ले करवाना चाहिए, एक्सपोजर कराना चाहिए बच्चों को, आउटडोर खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट 1 to 6 मंथ्स में बेबी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर और गेन करता है, मतलब एब्जॉर्बेंस जो है ना ज़्यादा है इस एज में। ये जो हमारी माएँ हैं जो अभी नई नई माएँ बनी हैं उनके लिए बड़ी ये मालूमात है। आप बताएं आपका नाम क्या है? अब्दुल आदिब है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुंदस। आपका नाम सुंदस? आपका नाम सुंदस है? आपका क्या नाम है? दा। अच्छा चलो मुझे बताएं कि अब मैं सवाल करती हूँ सबसे कि वो कौन सा जानदार है पानी में रहने वाला जो कि कभी नहीं मरता? कभी नहीं मरता? कभी नहीं, करीब करीब हो। फिश। मैंने कहा फिश, फिर कह रही है फिश। करीब करीब हो, तुक्का एक और मार लो। नहीं मुझे नहीं आ, सोचो। प्लैटिपस। ओह नो। कौन सी क्लास? 6। आप? 3। नो आइडिया, मतलब हर चीज तो मर ही जाती है आखिर में। वो नहीं मरती। नो आइडिया। नो आइडिया। चले एक जानवर है हिप्पो? नहीं। वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह खाल बदलता है? गिरगिट? नहीं वो तो उतारता है, सांप तो उतारता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसका भी। अपनी स्किन उतारता है। अच्छा मुझे बताओ कि आपको क्या आता है, क्या सुनाओगे? पोइम आती है? आती है। सुनाए। नाम भी तो बताएं कोई। मैं बताऊं पोइम भी? मैं, आपकी फेवरेट कौन सी है वो सुना दे। नाम? नाम क्या? पोइम आप कोई भी सुना दो जो आती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हाउ आई वंडर लिटल स्टार, आपका वादा बरसो। आपका वादा? आपका वादा। चलो कोई बात नहीं, अब आपने ट्विंकल ट्विंकल घर जाके याद करनी है। ओके लाइक का डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड, आधी सही आती थी और कुछ वादे भी कर लिए आपने पोइम में। आप बताओ आपको कौन सी पोइम आती है? स्पीच पोइम एनीथिंग। वो पीछे लहराने लग गए, इधर आओ आगे। Rain, rain, go away, come another day, baby wants to play, rain, rain, go away. Wow! Very nice. देखा कितनी अच्छी सुनाई उसने, तालियां बजाएं जी, clapping, very nice. अच्छा आपको कोई poem आती है? Rain, rain. Rain, rain नहीं आती है, baby, baby आती है, Johnny, Johnny आती है. Johnny, Johnny सुनाओ. Baby. अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चा जो है ना वो मूड में नहीं है, आप कुकिंग कर लेते? हाँ हाँ ऑब्वियस ही बात है। क्या बना लेती? सारा कुछ। हाउसवाइफ है आप? नहीं नहीं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? कौन सी डॉक्टर है?
गायनोकोलॉजिस्ट बन रही हूँ, अभी स्पेशलाइजेशन की स्टेज चल रही है। अच्छा, अभी चल रही है, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी, बहुत शुक्रिया। ये व्यूवर्स आपने देखा कि इन्होंने बड़ी मालूमात दी है उन माओं के लिए कि 1 to 6 months तक जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन जो है वो कह लें डेवलप हो रहा होता है, तो आप उनको आउटडोर घुमाएं। मुझे तो बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, आई होप आपको भी मिली होगी। जूम में आए हुए, आए चले और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। आपका? रियासत। क्या करते हैं? सरकारी जॉब करता हूँ। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में ही। और आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। आपका क्या नाम है? अबरीश। आपका? शार। आपका? यान। आप डर क्यों नहीं हो? इधर देखो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में? वन। आप? प्रेप। और ये तो अभी नहीं पढ़ती होगी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? नहीं पढ़ती अभी। अच्छा, गुड। मुझे ये बताएं कि अब मैं सवाल करती हूँ आपसे, वो कौन सा जानदार है पानी में रहने वाला? हिंट दे रही हूँ, वो कभी नहीं मरता। नो नो। मगरमच्छ? नहीं। आप भी सोच रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का एक शहर है जिसको लिखते हुए 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं, कौन सा है? छोटा शहर है। सोचे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा। ओह नो। गिने उसमें कितने नुक्ते हैं? अच्छा चलें, आप मुझे बताएं शादी को कितना अर्सा हो गया? 8 साल। 8 साल हो गए। कैसे हस्बैंड हैं? स्ट्रिक है, जैसे पुलिस वाले होते हैं। आप पुलिस में तो नहीं? पुलिस में ये पुलिस। आप पुलिस में होते हैं? जी जी। अच्छा, तो घर में भी, मतलब ऐसे ही है? घर में भी इनकी गुड क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी क्या है? बस औरतों की तरह हर चीज मैनर्स में होनी चाहिए, डिसिप्लिन में होनी चाहिए, घर में भी। अच्छी बात है ना, ये तो आपको सिखा रही है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। सही कह रही हूँ मैं? लाइफ में डिसिप्लिन हो तो बेहतर तरीके से बंदा जिंदगी गुजार सकता है। वैसे आपने कभी इनको कहा है कि पुलिस वाले होंगे अपने ऑफिस में, थाने में होंगे, यहाँ पे ना करें? डेली कहती हूँ। डेली कहती? फिर आप क्या जवाब देते? नहीं तो मैनेज करना तो फिर मर्द की जिम्मेदारी है ना, घर में भी बाहर सारा कुछ बच्चों के साथ। मेरे तो ज्यादा सर, एक मैंने इंटरव्यू किया था उसमें जो है वो एक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा घर में तो मेरी नहीं चलती है, बाहर ही चलती है। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान, कोशिश करे। इनकी गुड क्वालिटी क्या और बैड क्वालिटी क्या? ये हर चीज को जल्दी बुला देती है, अच्छी हो बुरी हो दिल पे नहीं लेती। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब बुराई क्या है? बुराई कुछ ना कुछ होती है इंसान में, खुफिया रहने देते हैं। नेक्स्ट। सही। कितने अच्छे ये शोहर है की उन्होंने आपकी बुराई पे पर्दा डाल दिया। आपने फटाफट बता दिया, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने आपकी बिल्कुल लड़ाई नहीं करानी, मैं मजाक कर रही हूँ। चले, अब आप जवाब तो आपने नहीं दिया, कुछ गुनगुना लेते हैं? नहीं। कोई मैसेज देना चाहे? नहीं, यही है अपने बच्चों का ख्याल करें घर में अच्छे तरीके से। आजकल आपको पता है थोड़ा सा बच्चों का इशू चल रहा है, तो सिलसिले में जरा मजीद आप थोड़ा सा। आजकल क्या अलर्ट है? वो कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना ज्यादातर उठाए जा रहे हैं, दीगर इलाकों से लोग आए हैं। इस सिलसिले में मजीद बच्चों के मामले में वैसे ही सेंसिटिव रहना चाहिए, आजकल मजीद थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों के मामले में। तो यही वालदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों को घर में रखें, घर पे रखें। तो मुझे बताएं कि आप किस पोस्ट पे हैं? मैं हेड कांस्टेबल। अच्छा, वेरी नाइस। बच्चों, आपको कोई पोईम आती है? एक थी चिड़िया, एक थी मुर्गी, लाल थी मुर्गी, नीली चिड़िया, चिड़िया हर रोज चिड़िया की बांसुरी ली, नन्ना सा मुर्गा लाल पीली, चिड़िया हर दिन गाना गाती, मुर्गी उसे तंग आ जाती, चिड़िया एक दिन कही मुर्गी अंडे वंडे लाया कर, गाना मत तू गाया कर। वेरी नाइस। बहना के लिए तालियां बजाएं जरा। ओके, आपको कोई पोएम आती है, सुनाए? पाँच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे बाकी रह गए चार, चार चूहे जोश मड़ा कब जाने लगे भी, एक चूहे को आगे खांसी बाकी रह गए तीन, तीन चूहे गड़ गड़ बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात ना मान बाकी रह गए दो, दो चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे ने, एक चूहे को खा के बिल्ली बाकी रह गया एक, एक चूहा जो पीछे रह गया उसने कर ली सद, बीवी मिली उसे बड़ी लड़ाका, यू ही उसकी बर्बादी। कहते हैं बीवी मिली उसे बड़ी लड़ाका। अच्छा चले, अब मैं जरा आपसे पूछती हूँ, मुझे ये बताएं कि इनकी पसंदीदा चीज़ क्या है? बिरयानी है, चावल शौक से खाती हैं। नहीं नहीं पता, इन्होंने कभी पूछा, रोमांटिक नहीं है।
बात सुने, पुलिस वाले हैं, कैसे रोमांटिक होंगे वो? वही ना, इन्हें नहीं पता। चले भाई प्लीज, हमारी बहन इतने प्यार से कह रही है, आप रोमांटिक हो जाएं फिर। जी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। जो पुलिस वाली आपका है ना, ये आप थाने में ही रखा करें। जी इंशाल्लाह, सारा गुस्सा थाने में और घर में भी आपकी एडवाइस पे अमल दरामद करेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज की तरफ से आपको गिफ्ट टाइम पर। अब आपने जरा प्यार से रहना है, ठीक है? मैं प्यार से रहती हूँ। मेरी आज स्कूल वाली टीचर भी कह रही थी आप दोनों के नेचर में बहुत फर्क है, आपके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट टाइप है, आप और फ्रेंडली नेचर की है। चले ठीक है। वैसे आपने देखा कि हस्बैंड वाइफ में भी जो है वो कपल्स में बड़ी नोकझोंक चलती रहती है। बड़ा मजा आया मुझे उनसे बात करने का, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वेट करना है, स्टे विद मी। क्या नाम है? वानिया नू। और आपका? मिशेली। चलो ठीक है, चलो हाथ पकड़ो, जरा हाथ पकड़ो, उसका हाथ पकड़ो, अपनी बहना का हाथ पकड़ो जल्दी से, चलो आओ घूमते हैं, ओके? चलो चलो, ओके, बाय बाय, जाओ, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? विश्ता। आपका? मेरा नाम डॉक्टर निसार है। क्या करते हैं? वेटनरी का डॉक्टर हूँ। वेटनरी के डॉक्टर हैं, अच्छा। चलें आप मुझे बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं, कुकिंग कर लेती हैं? जी बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए, काश मैं भी कह सकूँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा आपका क्या नाम है? फुलदिलफिया। अच्छा ये सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? ये सबसे अच्छा बिरयानी और मछली। मुझे लगा आपने दिल में सोचा है पागल ही बनाती है। अच्छा नहीं नहीं, नहीं मछली बहुत जबरदस्त बनाती है। अच्छा चले ठीक है, मुझे बताएं सर्दियां भी आने वाली हैं आप तो। सवाल करती हूँ आपसे कि वो कौन सा शहर है जिसको लिखते हुए 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? पाकपतन। ओए होए सही जवाब, आपकी मियां ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। पाकपतन आगे आगे शेखू शेखू शरीफ, पाकपतन शरीफ। अच्छा कहाँ घूमने फिरने का शौक है? जी बहुत ज्यादा। ये तो फिर आपको कहती होंगी मुझे घुमाते रहो। हर महीने, हर महीने। कहाँ लेके जाते हैं? बस लाहौर में ही आती हैं कहीं ना कहीं। अच्छा चले ठीक है, बच्चा आपका सो गया है। चले मूसा नाम है इसका। मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह खाल बदलता है? कौन सा है आप बताएं? आपको तो पता होना चाहिए। खाबल वो है गिरगट। नहीं वो तो रंग बदलता है। अच्छा वो कौन सा जानदार है पानी में रहने वाला जो कभी मरता नहीं है, कभी भी नहीं मरता? तो पता नहीं, फिश। बात नहीं मुझे बताएं, फिश है लेकिन करीब करीब है। आप बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? और आप? प्रेप। कोई पोइम आती है सुनाए? अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे मालिक मेरे अका, प्यारा प्यारा नाम है तेरा, कैसा अच्छा काम है तेरा। टू का टेबल आते हैं सुनाए? तू इकम दा टू 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 दा फोर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मैंने आपकी कोई यहाँ पे पेपर नहीं लेना। वो बच्चा कहाँ गया, इधर आ जाओ। वो घबरा गया कि कहीं मैं उसका जो है ना वो घबरा गया कि मैं पता नहीं पेपर ही लेने लगी। बेटा मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ आपसे। पोइम सुना दो, पोइम सुना दो जल्दी। अच्छा गेम कौन सी खेलते हो? गेम कौन सी खेलते? मुझे ऐसे लग रहा है मैं बच्चों को डराने लगी हूँ। आप कोई शेरो शायरी करना चाहें बेगम के लिए? लेकिन एकदम देखे इन्होंने सोचा, इन्होंने एकदम सोचा है, आपके लिए नहीं है ये शेर शायरी। पक्की लड़ाई होगी। रखते हैं जो औरों के लिए वफाओं का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो देख लें किसके लिए इन्होंने शेर पढ़ा। ये तो इनसे आके पूछूंगी ना। अब आपने इनसे पूछना है, घर जाके जरूर पूछूंगी। घर जाके आपने मेरे कहने पे पूछना है किस लड़की के लिए। वैसे कभी ऐसा हुआ है? नहीं कभी भी नहीं हुआ। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं। हम आपको शेर सुनाना चाहें। मुझे सोचना पड़ेगा, आते तो बहुत है लेकिन अभी जेन में भूल गया। कोई रेसिपी है आपके पास? आपने कहा बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं आप, कोई मजेदार सी कोई रेसिपी हो आपके पास? रेसिपी फिश की बता सकती? बता दें। फिश को बनाने के लिए
फिलहाल हमारे तो भाई बाहर से लेके आते हैं, अपनी घर की होती है कह ले वो। अच्छा। तो उसको बहुत अच्छी तरह से घर में हम लोग वॉश करते हैं, घर में उसको नीट करना होता है, उसके बाद उसको अच्छी तरह से नीट करके नमक लगा के रख देती हूँ मैं, और उसके बाद बहुत सारा उसमें यानी कि कैल के मटीरियल जो होता है, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, पुदीना हो गया, अदरक थोम लहसुन, ये सारा पेस्ट अच्छी तरह से उसको फ्राई करने के बाद ना, सारा मसाला पकाने के बाद इसमें मैं पानी भी इसी में डाल के पका लेती हूँ, और बाद में इसमें फिश डालती हूँ, और उसका जो शोरबा होता है ना बहुत मज़े का, वो यानी कि बहुत मज़े का बन जाता है। ये क्या शोरबे वाली बताई आपने? शोरबे वाली जी। अच्छा, ज़्यादा हमारे घर वाले जी पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, फ्राई नहीं ना बताइए, रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी। और मेरी बात याद रखनी है, पूछना जाके बड़ी अच्छी तरह से पूछूंगी। व्यूअर्स, हमें बहुत मजा आया इनसे बात करके, और आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं लड़ाइयाँ करवाती हूँ, तो आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निदा। आपका? सलमा। शुएब। क्या करते हैं? हाउस वाइफ। आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? अकाउंटेंट की। आप तीनों क्या लगते हैं? ये भाई हैं, बहन हैं हम लोग। अच्छा, तीनों बहन भाई हैं, कौन बड़ा कौन छोटा? मैं बड़ी हूँ, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटी है। अच्छा, ये सबसे छोटी है। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? घर पर हैं, वो काम घर पे छोड़ कर आई हुई हैं, खुद घूम फिर रही हैं। जी जी। अब वो देखेंगे, उन्होंने कहना है तू कितने पहुँची हुई इसी। ऐसे ही होगा, उनको बता कर आई हूँ, अभी बात भी हुई है। अच्छा, तो अभी कहाँ? अम्मी के घर आई हूँ। हाँ जी, अम्मी की तरफ आई। अच्छा, कितने दिन रहती है अम्मी के घर? एक दिन अभी सुबह आई हूँ और कल चली जाऊंगी। आई हाय, ये बड़ा मसला होता है लड़कियों के लिए। चले मुझे बताएं कि सवाल करती हूँ, वो कौन सा ऐसा जानदार है जो पानी में रहता है और वो कभी भी नहीं मरता? फिश की एग्जाम है, चलें बता दो। वेल? नहीं। ओह नो। क्रोकोडाइल? नहीं। नो नो। अच्छा, वो कौन सा जानवर है जो कि सांप की तरह खाल बदलता है? वो क्रोकोडाइल है। नहीं। सोचने का नहीं। क्विक मैं सवाल कर रही हूँ, जल्दी से बता दो। आंसर जल्दी वाले नहीं है, टाइम लेना चाहते हैं। हाँ जी, मैं आपसे जो है कैमरे के सामने आ गए, आपको पता है भूल जाता है बंदा। कुछ भूल जाता है। टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे। अच्छा, वो भी सुनते हैं। मैं पहले आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 5 दफा बोलो। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला। जल्दी जल्दी करना था। चलें जी, तालियां जबरदस्त। चलें मैं एक और सवाल कर लेती हूँ। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिससे जब लिखते हैं तो उस पर 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? छोटा शहर है। पाकपतन। ओए, जवाब दे दिया, वाओ, वेल डन। पाकपतन के आगे क्या है? पाक पतन शरीफ। उनको मौका नहीं दिया आपने बोल। सिस्टर थोड़ा सा मैं देख सपोर्ट कर रही हूं। हां जी। कोई मुझे ये बताएं कि आपको गाना गा लेते? जी जी, सुनाएं जी। आतिफ असलम का सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, तू ही तू हर सू, तू ही तू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, कदम च तेरे असी तलियां बिछाइए, नैन नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए, थम गया ये समा होश है लापता तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। बड़ा अच्छा आपने गाना गाया, शौक है गाना गाने का? जी जी, बहुत शौक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर, ये लें जी, बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने बड़ी प्यारी फैमिली से बात की। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। आज हम जू में मौजूद थे। आई होप आपने शो को बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत इंजॉय किया और मैंने तो आज जू घूमा भी है थोड़ा सा। तो मैं आपको सवाल के जवाब बता देती हूँ जो कि आज हमने लोगों से किए। सवाल हमारे ये थे कि वो कौन सा ऐसा शहर है पाकिस्तान का जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं। तो उसका सही जवाब है पाक पतन शरीफ। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा जानदार है जो कि कभी नहीं मरता। हिंट मैंने दिया था कि वो पानी में रहता है, तो उसका सही जवाब है जेलीफिश। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि सांप की तरह खाल बदलता है, तो इसका सही जवाब है मकड़ी। आई होप आपको तीनों में से किसी एक का जवाब तो मिल ही गया होगा। हमने की लोगों से बातें, पहेलियां बुझी, गाने सुने, बच्चों से पोइम सुनी। तो इसी तरह मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों से बात करने का। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज HD पर जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करना नहीं भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। तो अगले एपिसोड में हाजिर होंगी नई एक्साइटमेंट के साथ, नई लोकेशन के साथ और नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।